कैसी है? ओहो, तुम तो बड़े सुस्त निकले जगाला। मुझे लगा तुम पानी के शहंशाह हो। चलो बाद में मिलते हैं जगाला। कितनी बार कहा है मेरे इलाके में शिकार मत किया करो, मेरी नदी से दूर ही रहना, समझे? ओह हीटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आज मेरे बड़े होने की परीक्षा है। आज रात मुझे अपनी सूंड से तेज आवाज निकालनी है, पर मैं नहीं निकाल पाती। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे आवाज निकालनी नहीं आती मोगली। अगर आज के समारोह में मैंने आवाज नहीं निकाली तो मैं हमेशा के लिए बच्ची रह जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहता। तुम आवाज तो निकालो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं मोगली, तुम मुझ पर हंसोगे। अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, मैं नहीं हंसूंगा, वादा करता हूँ। ये अजीब सी आवाज किसकी थी? उस तरफ से आ रही है। ये उतनी भी बुरी नहीं थी। अरे नहीं, इस आवाज से मैं किसी को भी ना डरा पाऊंगी ना मदद कर पाऊंगी। रुको तो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ना, चलो हम एक साथ करते हैं। मोगली, इस बार तेरा लंच जरूर करूंगा इंसानी बच्चे। अच्छा तो तुम ऐसी मजाक की आवाज निकाल रही थी। तेरे देखो तो, हाथी की बच्ची चींटी जैसी आवाज निकालती है। दफा हो जाओ यहाँ से। खुद को देखो कितने डरपोक है। बच के कहाँ जाएगा? इससे बचो हीटा, जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं। कोई बात नहीं, जल्दी चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। मोगली देखो तो, सूरज ढलने वाला है, समारोह शुरू हो जाएगा। घबराओ मत हीटा, कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अगर इंसानी बच्चा दोबारा आया तो खा जाऊंगा उसे। हीटा, जब तुम आवाज निकालो तो उसे थोड़ी देर तक खींचो, पर शुरुआत आराम से करना। देखो ऐसे। बहुत अच्छे, ऐसे ही करो, इस बार थोड़ा तेज। ये हुई ना बात, अब बहुत ही तेज। जोर लगाओ। फिर से आ गए। जाओ यहाँ से, अपने
अपने काम से काम रखो। मुझसे ये कभी नहीं होगा, मुझे तो बस छींक आ रही है। आज रात के समारोह में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और हमेशा के लिए बच्ची ही रहूंगी। रीटा, नदी के पास चलो और अपने सूंड साफ कर लो ताकि छींके ना आए। पर वहाँ तो जकाला है ना। उसे तो हम देख लेंगे, अब चलो। रास्ता साफ है, चलो हिटा। पानी की मस्ती। तुम्हें भी बस मौका चाहिए हिटा। क्या बात है हिटा, तुम्हारी सूंड तो काफी दमदार हो गई है। हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है और छींके भी नहीं आ रही। देख क्या रही हो, चलो यहाँ से। अब मिलाई ने सबक, माशा की बहुत अच्छी तरह से धुलाई हो गई। दोनों आ गए मेरे कब्जे में। बच्चे, ना ना, बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये। तुमने कर दिखाया हिटा। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो अब हमें चलना चाहिए, जल्दी ही समारोह शुरू होने वाला है। ओ, ओ, जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। संभल कर, सामने बड़ा सा पत्थर है। अरे वो पत्थर नहीं है, अपना राना है। मोनो देख के नहीं चल सकते क्या? माफ करना, थोड़ा जल्दी में है राना। बहुत अच्छे अपू। हीटा, चलो भी तुम्हारी बारी है। अच्छे से करना हीटा। क्या कर रहा है ये बच्चा? चलो करो हिटा, तुम कर सकती हो। इससे होगा कि नहीं, क्या करें? देखते हैं क्या करता है। किसी की बारी है ना। बहुत अच्छे हीटा। हीटा, हीटा। मम्मी, क्या मैं मोगली के साथ खेल सकती हूँ? अब तुम बड़ी हो गई हो हीटा, तुम्हें हर बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ओ, शुक्रिया, बाद में मिलते हैं।
थोड़ा जल्दी करोगे प्लीज। मोगली जरा ये खाओ, ये सबसे अच्छा है। शुक्रिया दासी। इसमें कीड़ा है। वही तो, खाली आड़ू से अच्छा है एक कीड़े वाला आड़ू। तुम्हें कैसे पता इनके अंदर कीड़े हैं? इनकी खुशबू से मुझे पता चल जाता है। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? हम लड़ने नहीं आए हैं काला, हम तो बस पीचेस खाने आए हैं। यहाँ की एक एक चीज मेरी है। आज के बाद मेरे इलाके में आने की हिम्मत मत करना। बघीरा। अरे नहीं। ओह, गहरी चोट लगी है। ये चोट कैसे लग गई? दाजी, तुम्हें काला याद नहीं? काला, काला नहीं तो, काला पीला कुछ याद नहीं। बघीरा, ज्यादा हिलना डुलना बंद करो वरना दर्द और बढ़ जाएगा। बलू, मुझे कुछ नहीं हुआ। जितना सोचा था उससे खतरनाक है। हमें फौरन इस चोट पर काले कीड़े लगाने होंगे। काले कीड़े? हाँ, वो कोहरा घाटी में मिलते हैं। उनके काटने से थोड़ी देर के लिए अकड़ जरूर जाते हैं, पर वो चोट ठीक करने का काम करते हैं। मैं उन कीड़ों को ढूंढूंगी, जल्दी चलो। हाँ, पर वो तो उस काला के इलाके के अंदर ही आता है। ओह, एक मिनट, ये काला कौन है? मैं भी साथ चलूंगा। बघीरा, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम यही बलू के साथ रहो, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। कीड़े लेने डाजी मेरे साथ जाएगी। लोग पहुंच गए कोहरा घाटी, तो चलो अभी, काला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। काला, काला, मुझे याद आ गया, काला तो एक खूंखार तेंदुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं। डाजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमें थोड़ा चौकन्ने रहना होगा, काला के साथ साथ ये जगह भी खतरों से भरी हुई है। डाजी, समझो तो सही, मुझे कीड़े ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, पता है, वो मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी, वो जमीन के नीचे भी रहते हैं। हमें उन्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। हाँ, वहाँ खतरा तो बहुत है, पर मोगली बहादुर है और डार्जी उसके साथ है, वो काले कीड़ों को ढूंढ लेंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी ले आता हूँ, उससे तुम्हें राहत मिलेगी। और एक जरूरी बात, अपनी जगह से हिलना मत। तुम्हें कहीं वो कीड़े दिख रहे हैं डार्जी? मैं फिलहाल देख रही हूँ कहीं काला ना छुपा हो। उसकी फिक्र मत करो, काला शायद इस इलाके में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। बघीरा, बघीरा, सूखा पेड़, मैं ऊपर चढ़कर देखती हूँ। दासी, रुको, ये सूखा पेड़ नहीं है, ये तो बड़ा भारी कैक्टस का पेड़ है। अगली बार कैक्टस से दूर ही रहना, समझी? कैक्टस? ये कैक्टस क्या होता है? हाँ,
थक गया। अरे लगता है काला है, हमें छुपना होगा। इसे उठाने में मदद करो। ये काला नहीं है डासी, ये तो गर्म पानी का फुहारा है। डासी, डासी! अरे मोगली, तुम यहाँ कब आए? अरे वाह, कीड़ों की खुशबू, यहीं आसपास कीड़े हैं। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? झाड़ियाँ, यही तो वो कीड़े रहते हैं। अरे पर यहाँ तो है ही नहीं। उनकी खुशबू तो आ रही है पर दिख क्यों नहीं रहे? शायद उन्होंने खुद को गाड़ दिया हो। कभी कभी वो ऐसा करते हैं, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मिल गए। अब जल्दी से ना बघीरा तक ले चलते हैं। एक दो तो खाने दो मोगली। अच्छा एक, नहीं दासी, एक ही दे दो, कहीं तो मकर ना जाओ। और अभी इनकी जरूरत बघीरा को है। ओ, ये तो चीटिंग है। ये गर्म पानी की फुहार की आवाज तो शैतान काला की तरह है। किसे शैतान कहा तुमने? दासी, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चली जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ इंसानी बच्चे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हम छुप क्यों रहे हैं भला? अच्छा तो यहाँ है मेहमान। बघीरा, तुम यहाँ क्यों आए? बघीरा तुम पहले ही जख्मी हो। इस हालत में मुझ पर वार करोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। हाँ ठीक है, पर पहले बघीरा से तो निपट लूं। अब कीड़ों से हमला करोगे? हाँ ये क्या है? ये हटाओ इन्हें, ये काट रहे हैं, बदबू भी आ रही है। बघीरा! मोगली तुम ठीक हो ना? मैं बस यही चाहता था तुम्हें कुछ नहीं। बघीरा, मैंने बहुत देर कर दी। नहीं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जल्दी से डारजी को कहो कि सारे कीड़े इकट्ठा करें। वो जरूर यही इस पत्थर के नीचे होगी। कुछ कीड़े ढूंढ रही थी, क्या पता शायद यही मिल जाए। घाव अब भरने लगा है, कीड़ों ने अच्छा असर दिखाया। कीड़ों ने? तुमने अकेले अकेले कीड़े खाए और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा बघीरा। शुक्र है, अपनी खोपड़ी तो हिला सकता हूँ।